अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के टकराव की आंच अक्सर छोटे और कमजोर देशों पर पड़ती है, लेकिन इस बार इस टकराव से आंच नहीं बल्कि लपटे निकल रही हैं और झुलस यूक्रेन रहा है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग हो रही है। ये मांग सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उठाई और अब बहुत से देश इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मांग के साथ ही युद्ध अपराध से जुड़े बहुत से मामलों की फाइल खुल रही है और बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। युद्ध अपराध से जुड़े मामलों पर उठ रहे सवालों की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट से समझिए कि रूस और यूक्रेन जंग में कैसे युद्ध अपराध का मामला उठा और ये युद्ध अपराध है क्या। यूक्रेन के खेरसोन शहर में रूस ने कब्जा कर लिया है। खार्किव में रूसी गोलाबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। ज़ायतुमिर में रूसी मिसाइल से मैटरनिटी हॉस्पिटल तबाह हो गया है। रिहायशी इमारत पर मौत बरसी। यूक्रेन पर हमले के 7वें दिन ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई है जिनसे ये जाहिर होता है कि जंग की लपटें यूक्रेन के आम नागरिकों तक पहुंच चुकी है और जंग का दायरा रिहायशी इलाकों तक आ पहुंचा है। यूक्रेन के दावों और इन तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन की जंग में आम लोग शिकार बन रहे हैं। पहली तस्वीर यूक्रेन के ज़ायतुमिर के अस्पताल की है, जहां रूसी सेना ने अस्पताल को निशाना बनाकर हमला किया। दूसरी तस्वीर एर्विन की है, जहां रिहायशी इमारत हमले का शिकार हुई। और तीसरी तस्वीर खार्किव की है, जहां 4 नागरिकों की मौत की खबर है। यूक्रेन में ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है और यूक्रेन चीख चीख कर ये कह रहा है कि रूस उसके देश में युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम को अंजाम दे रहा है। держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों ने भी रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के मामले शुरू करने की आवाज उठाई। Every civilian death, every war crime will be recorded and we will ensure that the perpetrators of these heinous crimes are held accountable and brought to justice. History has its eyes on us. Every legal avenue available will be used to hold the aggressor to account. रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मामला चलाने की मांग के साथ ही कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। युद्ध अपराधों की जांच अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करेगी, जिसका ऐलान आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कर दिया है। यूक्रेन के ताजा हालात को देखते हुए इस मामले में जांच शुरू करने का फैसला किया गया है। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मामला शुरू हो चुका है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल रूस को लेकर भी उठ रहे हैं और सवाल इससे पहले हुई जंगों पर कार्रवाई न होने को लेकर भी उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।